पेजिंग एल्कोरिजम क्या है ये आसान लफ्ज़ों में ये वो तरीकेकार है जिसके जरिए गूगल सर्च जो है वो पेजेस को रैंक करती है मतलब मेरी एक वेबसाइट है आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ आपको मेरी एक वेबसाइट है मैंने अपने कंप्यूटर में बनाई अब मैंने गूगल को बताना है कि मेरी जो वेबसाइट है वो एग्जिस्ट करती है तो उसके दो स्टेप्स हैं एक तो हमने डोमेन लेनी है जो हमने देखा और डोमेन लेने के बाद मैंने वेब पेज या ई कॉमर्स स्टोर जो भी है वो मैंने अपलोड कर दिया ये स्टेप वन था तो जो रैंकिंग क्राइटेरिया है जो रैंकिंग एल्गोरिज्म है वो जैसे ही मैं गूगल को बता देता हूं कि मेरी एक्स वाई जी वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने एक वेब पेज या वेबसाइट को अपलोड किया है तो मैं गूगल को सबमिट करता हूं रजिस्टर करता हूं आसान लफ्जों में आपको समझाने के लिए तो जो गूगल एल्गोरिद्म है वो, वो मेरी वेबसाइट को रैंक करता है सर्चिस सर्च रिजल्ट के हिसाब से मतलब ये कि जब कोई एंड यूजर कोई ऐसे कीवर्ड को लिखता है कि मेरी वेबसाइट के कीवर्ड उस कीवर्ड से पोटेंशियली मैच होते हैं या रेलीवेंट होते हैं तो ये एल्गोरिदम काम करना शुरू कर देता है मतलब जो जो पेज रैंक एल्गोरिज्म है ना वो बेसिकली मैयर करता है मेरी वेबसाइट के कीवर्ड्स को या मेरी वेबसाइट के कंटेंट को उस कीवर्ड से या उस कीवर्ड की स्ट्रिंग से जो यूजर ब्राउजर पर लिख के सर्च कर रहा है रेलिवेंट का वर्ड यहां बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने एग्जैक्ट नहीं लिख मैंने एग्जैक्टली exactly नहीं बोला या कंपेयर नहीं बोला रेलिवेंस निकाली है मतलब ये सिनेम भी एग्जिस्ट करती हैं एक वर्ड के मल्टीपल मतलब भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बैंक एक वर्ड है अब बैंक एक बिल्डिंग का नाम भी है जहां पे मैं और आप जाके पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करा सकते हैं अब बैंक ऑफ आ रिवर भी होता है यानी दरिया का किनारा तो इंसानों को तो ये बात समझ आ जा जाती है कि यानी कॉन्टैक्ट से यानी मैं अगर ये कहूँ मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं तो ह्यूमनली हमें समझ आ जाएगा कि मैं उस बैंक की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पैसों का ही विड्रॉल होती है इफ 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 आई आई एंड विल से आई एम sitting by द बैंक ऑफ अ रिवर तो इसका मतलब है मैं उस बैंक की बात कर रहा हूँ जो दरिया का किनारा है लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि आगे जिसको बात समझानी है वो इंसान नहीं है वो मशीन है और दिस इज वेयर मशीन लर्निंग का मेन मतलब जो मशीनें हैं वो डेटा से अपने आप को सिखाती हैं और जो मेजर रेलिवेंसिंग के कॉम्पोनेंट होते हैं ना वो होते हैं कि एक कीवर्ड जो एंड यूजर ने सर्च किया है वो तो किसी भी वेब पेज में कितनी मरतबा आया है, कितने क्वालिटी के लिंक्स मौजूद हैं यानी कितनी क्वालिटी लिंक्स मुरादी होती है कि मेरी एक वेबसाइट है, उसको कितनी और वेबसाइट ने रेफर किया हुआ यानी मेरी वेबसाइट लेट्स सपोज अगर हैवी बाइक से रिलेटेड है तो कितनी और वेबसाइट्स हैवी बाइक से रिलेटेड या उससे रेलिवेंट मेरी वेबसाइट को रेफर कर रही हैं तो ये दो तीन चीजें मिला के रेलिवेंस निकलती है तो लेट मी शो यू वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि पेज रैंकिंग जो है वो हाई लेवल पे काम कैसे करता है जस्ट लुक एट दिस पिक्चर अब इसमें जो सबसे बड़ा इमेज है या आप कह लें स्माइली है येलो में जितना इस्माइली का साइज बड़ा है वो ये शो कर रहा है कि उसको और कितनी स्माइली रेफर कर रहे हैं जस्ट लुक एट द ग्रीन स्माइली जो ग्रीन स्माइलीज है उनका साइज डिक्रीज हो रहा है विद अदर स्माइलीज रेफरिंग देम और जो सबसे बड़ा स्माइली है येलो उसको अगर आप नोट करें ना तो उसको तकरीबन सारी स्माइलीज रेफर कर रहे हैं दिस इज लिंक बिल्डिंग कि आपकी वेब पेज को जितने ज्यादा और वेब पेज रेफर करेंगे उसका मतलब है कि आपकी वेब पेज के अंदर कंटेंट उतना ही रेलेवेंट है सिंपल सा ये पेज रैंकिंग एलगोरिज्म को समझने का तरीका है कि जितनी वेबसाइट्स आपको रिकमेंड कर रही हैं इसका मतलब है कि उनका उन वेबसाइट्स का आपकी वेबसाइट के कंटेंट पे ट्रस्ट है एंड ट्रस्ट मीन मोर ट्रैफिक तो अगर आपका आसान लफ्जों में अगर आपका स्माइली ज्यादा बड़ा है और ज्यादा हैप्पी है यहां पर आप एक बात और नोट करें इमेज में जैसे जैसे स्माइली का साइज इंक्रीज हो रहा है उसकी हैप्पीनेस भी ज्यादा हो रही है रीजन बींग कि बाकी और वेबसाइट्स या बाकी और स्माइलीज अपना अट्रस्ट यानी रिकमेंड कर रहे हैं उस कंटेंट को जो बड़े स्माइली के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि बड़े स्माइली को जो बाकी वेबसाइट्स रेफर कर रही हैं तो पेज रैंकिंग जो है यानी जो पेज रैंक कैलगोरिज्म है उसमें इसकी रैंकिंग इंप्रूव होने का अच्छा खासा चांस है तो दिस इज ऑल अबाउट पेज रैंक